अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो सबसे पहला आता है हमारे सीएनएस पे। तो ये सीएनएस पे पहले तो एक्साइटेशन क्रिएट करता है, उसके बाद डिप्रेशन आता है। तो एक्साइटेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल आपने कोकेन देखा होगा। कोकेन क्या है, हमारे ब्रेन को पहले तो स्टिमुलेट करता है, पर जो लोग कोकेन एक ड्रग है, ठीक है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं क्या होता है, पहले तो उनको बहुत एक्साइटेशन होता है, फिर धीरे धीरे उनको सब धुंधला दिखने लगता है, वो डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन इन द सेंस सीएनएस डिप्रेशन, ना कि एसएस डिप्रेशन, जो कोई पर्सन डिप्रेशन में चला गया वैसा नहीं, सीएनएस डिप्रेशन होता है। ठीक है, पहले हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेन कुछ अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, उस पर्सन को चलने में दिक्कत होगी, सोचने में दिक्कत होगी, अनकॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, तो सीएनएस डिप्रेशन होता है। तो सबसे पहला क्या होगा सीएनएस में, पहले वो एक्साइट करेगा, फिर डिप्रेशन कॉज करेगा। इसके बाद हमारा सीबीएस, सीबीएस में लोकल एनेस्थेटिक हमारे कार्डियक डिप्रेशन कॉज करता है। ठीक है, तो एक ड्रग है बुप्रिवाकिन। बुप्रिवाकिन क्या करता है, ये टैकीकार्डिया कॉज करता है, ये हमें कार्डियक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए बुप्रिवाकिन हमेशा अवॉइड किया जाता है। तो हमारे सीबीएस पे क्या इफेक्ट होगा, ये कार्डियक डिप्रेशन करेगा और बीपी को कम करेगा। इसके बाद हमारे ब्लड वेसल पे, तो देखा गया है कि लोकल एनेस्थेटिक ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, ये वाले ड्रग सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, जिससे हमारा बीपी कम हो जाता है। इसके बाद हमारा नर्व कंडक्शन, तो लोकल एनेस्थेटिक हमारे नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करेंगे, उनको रोकेंगे। तो ये नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करेगा, ठीक है, इसके अलावा हमारे पेन को भी रिड्यूस करेगा। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था लोकल एनेस्थेटिक हमारे पेन या माइनर सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं, लोकल एनेस्थेटिक कहां कहां पे यूज किया जाता है। अगर इनके यूजेस देखें तो सबसे पहले ये हमारे पेन को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा ड्यूरिंग माइनर सर्जरी भी हम लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो लिडोकेन है, ठीक है, लिडोकेन क्या होता है, ये एज एंटी एरिथमिक ड्रग भी यूज किया जाता है। तो जब हम एरिथमिया के बारे में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि एंटी एरिथमिक ड्रग कैसे काम करता है। तो अभी फिलहाल लिडोकेन एज एंटी एरिथमिक ड्रग भी यूज होता है। तो इनके यूजेस हो गए। तो ये हो गया आपका एक्शन और यूजेस। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है लोकल एनेस्थेटिक। अगले बार हम देखेंगे जनरल एनेस्थेटिक का क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करते हैं। तो अब तक इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।